नमस्कार, गाजीपुर की टॉप 5 खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। शासन के निर्देश पर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत सदर कोतवाली पुलिस ने IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी का शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया है। पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि निलंबित शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र को नियमानुसार थाने में जमा कराने के लिए कोतवाली पुलिस की एक टीम लखनऊ रवाना हो गई है। बताया गया है कि अब तक हुई कार्रवाई में जिला पुलिस प्रशासन द्वारा IS 191 मुख्तार अंसारी गैंग के संबंधित 85 शस्त्र लाइसेंसों को निलंबित किया गया है एवं 82 को निरस्त कर नियमानुसार थाने में जमा भी करा लिया गया है। सादात जखनिया रेलवे स्टेशन के बीच अतिगावा गाँव के पास सोमवार की देर शाम वाराणसी से गोरखपुर जा रही कृषक मेल ट्रेन की चपेट में आने से पाखंडी राम की मौत हो गई। वह गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र के चौकिया गाँव के रहने वाले थे। पाखंडी राम सोमवार को दिन में लगभग 11 बजे कहीं जाने के लिए घर से निकले थे। शव मिलने की सूचना लोगों को हुई तो मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। इस बीच किसी ने जखनिया स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना दी, जिसके बाद स्टेशन मास्टर ने भुड़कुड़ा पुलिस को शव बरामद होने की जानकारी दी। भुड़कुड़ा कोतवाल वैभव सिंह ने मौके पर पहुँच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिता की डांट से छुप देख बिटिया ने रविवार की रात शहर कोतवाली क्षेत्र के हमीद सेतु से गंगा में छलांग लगा दी थी, जिसके बाद मंगलवार की दोपहर मोहम्मदाबाद के शेरपुर सेमरा गंगा तट पर उसका शव उतराया हुआ मिला। जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली के नवाबगंज मोहल्ला निवासी गणेश वर्मा ने रविवार की रात अपनी पुत्री मिली वर्मा को किसी बात को लेकर डांट दिया था। इससे नाराज होकर वह रोते बिलखते घर से निकल गई और हमीद सेतु पर पहुँच उसने गंगा में छलांग लगा दिया। यह देख रेल कम रोड ब्रिज के निर्माण में जुटे कर्मियों ने नाव के सहारे उसे खोजने का प्रयास शुरू कर दिया। जानकारी होते ही रजागंज चौकी प्रभारी के साथ परिवार के लोग भी पहुँच गए। गोताखोरों की मदद से खोजबीन कराई गई लेकिन पता नहीं चला। मंगलवार की सुबह मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर सेमरा में गंगा में उसका शव उतराया हुआ मिला। सूचना पर परिवार के साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम समूह से समृद्धि की ओर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सदर ब्लॉक सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिले के प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने जनपद में प्रशिक्षित बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स BC सखियों को बैंकिंग डिवाइस व विभिन्न स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 33,35,000 का डेमो चेक दिया। प्रभारी मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश गरीबी उन्मूलन के लिए प्रदेश में 1,00,000 स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य निर्धारित था। कोरोना काल के बावजूद प्रदेश में 5,00,000 समूह बनकर तैयार हो गए हैं। सारे समूह क्रियाशील हैं, इसके माध्यम से सैकड़ों कार्य हो रहे हैं और व्यवहारिक रूप से उसकी निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही है। इसके माध्यम से ग्रामीण अंचलों की बहुत सी महिलाएं प्रतिमाह लगभग 4,000 से अधिक तक की कमाई कर रही हैं। अखिल भारतीय प्रधान संगठन की बैठक विकास भवन सभागार में मंगलवार को हुई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मदन यादव ने कहा कि पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय और कायाकल्प के निर्माण को लेकर विभाग तेजी लाने में लगा हुआ है, लेकिन बालू, गिट्टी, सीमेंट सहित अन्य निर्माण सामग्री के दाम आसमान छू रहे हैं। इसको लेकर प्रधान संगठन ने निर्णय लिया है कि जब तक अधिक दर को कम नहीं किया जाएगा तब तक निर्माण कार्य संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानों का मानदेय 3,500 से बढ़ाकर 10,000 किया जाए। शासन द्वारा भेजी जा रही राशि से सामुदायिक शौचालय एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान को सरकार 15वें वित्त से न कराकर उसकी अलग से कोई धनराशि आवंटित की जाए। इससे गांव के अन्य विकास कार्य अवरुद्ध हो जाएंगे। आगे कहा कि जाँच के नाम पर ग्राम प्रधानों का उत्पीड़न तत्काल बंद किया जाए। इसकी परख कर ली जाए कि शिकायतकर्ता कोई सरकारी संपत्ति को कब्जा नहीं किया है। शिकायतकर्ता ने इसका शपथ पत्र भी दिया जाए। इस अवसर पर पूर्व प्रधान एवं जिला संयोजक संजय राय मंटू, मोहम्मद खालिद अंसारी, आकाश राजभर, पवन यादव, गयासुद्दीन खान, श्याम बिहारी, राम समुजवेद प्रकाश, ब्रिजलाल, राधे श्याम यादव, रामानंद, राकेश यादव, बिक्कन कुशवाहा, सोनू यादव ग्राम प्रधान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।